दर्द एकदम बहुत ज्यादा दर्द हुआ। दूसरी क्या दिक्कत आई? कोई धड़कन से सांस से ऐसी बेहोशी हो रही थी, एकदम तेज हो रही थी, एक नशा जैसा हुआ। हाँ, नीम के पत्ते खाए थे, वो कैसे लगे? वो कड़वे लगे, मेरे मीठे लगे। सकते हो आप सभी लोग, इनको काले नांग से भी जहरीले सांप ने काटा, जिसको करैत बोलते हैं, और ये रात में अचानक से ही निकलते हैं और चुपचाप काट के गायब भी हो जाते हैं। बहुत ही जहरीला सांप है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसका भी बहुत ही शानदार इलाज करते हैं। मरीज आपके सामने, देखें कितना सुकून में अब, और पहले की कंडीशन क्या थी आप इनकी जुबानी सुनिए, कैसे इलाज किया हमने। विनोद। अच्छा विनोद, कहाँ से आए हैं? उमर सिया। क्या दिक्कत आई थी, पूरा मामला बताएं। छत पर गया लेट में। हाँ, छत पर गया, किसी थोड़ा तेज बोल किसी चीज़ से काट लिया, सांप था या कुछ, ये तो पता नहीं मुझे। अच्छा भाई जी, एक सब मोड़ में दर्द, एक सब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, दर्द हुआ एक संग। दूसरी क्या दिक्कत आई? कोई धड़कन से सांस से ऐसी बेहोशी हो रही थी। अच्छा, बाकी धड़कन तेज हो रही थी, एक नशा जैसा हुआ। हाँ, बाकी आँखें मिच रही थी, आँखें मिचने लगी। हाँ अच्छा, और इसके अलावा और कोई दिक्कत आई? नीम के पत्ते खाए थे, वो कैसे लगे? वो कड़वे लगे, मेरे मीठे लगे। तो सांप काटे की एक ख़ास डायग्नोस करने का ये बढ़िया तरीका है, नीम के पत्ते अगर व्यक्ति चबाता है तो उसको कड़वे नहीं लगते, और दूसरा एक नशा सा तारी होने लगता है, बहुत ज़्यादा नशा होता है। तो ये सांप काटे की एक बढ़िया पहचान है, और इसमें बिना लापरवाही करे कोई अच्छे चिकित्सक के पास जाएं, जो इसका भली भांति इलाज कर सके, और कोई ऐसे चिकित्सक के पास ना जाएं जिसको इसकी कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, जो इलाज करना नहीं जानता है, उसके पास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इसमें एक मिनट भी अपना बर्बाद करना यानी कि अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था, लोगों को ये मैसेज देना कि हमारे यहाँ भली भांति बढ़िया इलाज होता है, और हमारे यहाँ कोई इसकी फीस नहीं रखी गई है, बिल्कुल निःशुल्क इलाज है। और उसकी एक ख़ास वजह ये है, क्योंकि अक्सर सांप गरीबों को काटता है, जिनके अच्छे महल हैं, साफ़ सुथरे टहल लगे हैं, वहाँ सांप नहीं होते हैं शहरों में, अक्सर गाँव में आसपास में खेत खलिहान भी होते हैं, बहुत सी वजह होती हैं। तो अक्सर मैंने यही देखा अब तक जितने भी आए, सब ये ज़्यादातर सांप गरीबों को, किसानों को ही काटता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस इलाज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। एलोपैथी में इसका कोई संभव बढ़िया इलाज नहीं है, वो लोग इसमें एंटी वेनम लगाते हैं और तीर में तुक्का चलाते हैं। तीर में तुक्का का मतलब है, अगर सांप का कटा हुआ मरीज है, मान लीजिए अगर उसके नांग ने काटा है और उसने इंजेक्शन दे दिया, तब तो वो सही है। बाय चांस किसी और सांप ने काटा है तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है, और बाय चांस मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं जिनको सेप्टिक बनना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक लड़की जिसके उंगली में काटा था, और अस्पताल में करीब 40,000 रुपये उसके खर्च हुए थे, वो भी बहुत गरीब थे, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेची थी अगले दिन, तब कहीं जाकर उस बच्चे की पूरी पेमेंट करी अस्पताल में, और उसके बाद में मरीज तो सही हुआ, लेकिन उसकी उंगली सड़ने लगी थी और केवल हड्डी रह गई। तो उसका उपचार भी हमने ही करा था, और उसको हमने एक मलहम दिया था जो हमारे उस्ताद ने हमें बताया था, और उससे उसका मांस वापस भी आया। तो कहने का मैं एलोपैथी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी सेवा के लिए एलोपैथी भी एक अच्छी चिकित्सा है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा फेलियर भी है। कुछ ऐसे इलाज जो लाइलाज हैं, उनके इलाज ये लोग ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जैसे ओवरियन सिस्ट, औरतों में बच्चेदानी में जो गांठ हो जाती है, रसौली, ये लोग ऑपरेशन करके उसको पूरा निकाल देते हैं, पित्ते को पूरा निकाल देते हैं। तो हमने ऐसे भी इलाज बिल्कुल करे हैं, 100% हमारे पास पक्के सबूत हैं। तो बहरहाल यही हमारा कहने का मकसद था। तो आप मरीज को देख सकते हैं, एकदम फिट फाट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं, जो सर में दर्द था बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, ठीक है। बस बाकी और लोगों को भी ये मैसेज देना, कोई मिल जाए उस सबको बताना, ताकि हमारे बारे में पता चल सके और वो लोग अपना इलाज करा सकें, है ना। ठीक है, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। आसमन आयुर्वेद समाधान में आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, और फिर इंशाल्लाह कोई वीडियो भी बनाएंगे, काफ़ी लोग कह रहे हैं बीमारियों पे भी वीडियो बनाओ, तो वो भी बना के डालेंगे, ताकि लोग
जो इलाज करा रहे हैं उसमें अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो में जो हम इलाज बताते हैं उससे अपना इलाज करके सही हो सके। और आपकी दुआओं के हम तलबगार हैं, हमारे लिए दुआ करें ताकि हमारे इन हाथों में और ज़्यादा शिफा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ से लोग सही हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।